Binchanida, Pajishada, Kid Ho. I don't believe this! King Nang Deng, like a King Nang Suang. तो लौंडो कैसे हो तुम लोग। तो स्वागत है तुम लोग का गुरु जी के टिप्स एंड ट्रिक्स के एक नए एपिसोड में, जहाँ पे फिर से तुम्हारा भाई तुम लोग के लिए काफी सारे ट्रिक्स बग्स न्यू ग्लिचेस लेके आ चुका है, जिनको देखने के बाद तुम लोग पूरा शौक हो जाओगे कि अपने गेम में ये सब भी हो सकता है। और हाँ, मुझे पता है मैं काफी दिनों से वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी वॉइस ओवर वाली वीडियो आएगी, तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को काफी ज्यादा मजे आने वाले। और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अपने सबसे पहले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को आज अपने नेक्स्ट मैप में देन तुम लोग को लेना है अपने सेंटिनो करेक्टर, अपने पुतला वाला करेक्टर होता है उसको लेके आना यहाँ पे। फिर तुम लोग इस वाले प्लेस पे आ जाना, मैं पहले तुम लोग को दिखाता हूँ तुम लोग को आना कहाँ पे है। सबसे पहले तुम लोग नेक्स्ट मैप की इस वाली जगह पे आ जाना, तुम लोग मैप में भी देख सकते हो वाली जगह कहाँ पे है, ट्विन ब्रिज के पास है, यहाँ पे आ जाना है। देन तुम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे नीचे की साइड आ जाना है ब्रिज के। फिर तुम लोग जो अपना सेंटिनो करेक्टर था ना उसको कुछ ऐसे एम करके साइड में छोड़ देना है, मतलब ब्रिज की साइड कुछ ऐसे। और जैसे तुम्हारा सेंटिनो करेक्टर ब्रिज के अंदर चला जाएगा ना, फटाक से तुम लोग इस पर क्लिक करके इसके अंदर चला जाना। और जैसे तुम लोग क्लिक करोगे ना अपने एक्टिव स्किल पे, उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा ब्रिज के अंदर आ चुके हो। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई तुम लोग को देख नहीं सकता है। और हाँ, एक बात और बता दो, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग जंप करके मारोगे तभी किल होगा, अगर तुम लोग यहाँ से बैठ के मारोगे किसी को तो उसको डैमेज तक नहीं जाएगा, मतलब तुम लोग को डैमेज दिखाएगा लेकिन उसको डैमेज नहीं लगेगा। तो ये बात तुम लोग याद रखना, वरना तुम लोग बोलोगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता। बस तुम लोग इस वाले ट्रिक को जरूर ट्राई करना एक बार और तुम लोग को काफ़ी मजा आएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को आ जाना इस वाले घर पे, जो कि अपने रिवर साइड के बगल में वाला बड़ा सा घर है ना, यहाँ पे आ जाना है। फिर तुम्हारे पास एक लॉन्च पैड भी होना चाहिए अपना मिनी वाला। देन तुम लोग एक खिड़की के पास आना है और अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगाना है, एक दो बार तुम लोग एक्सचेंज करना है। और मैंने बता रखा कितने वीडियो में एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो तुम लोग देख सकते हो। और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाना, तुम लोग खिड़की के पास खड़े होना है और सबसे पहले तुम लोग को लॉन्च पैड के बटन पर क्लिक करना है। देन तुम लोग को फटाक से जो अपना जंप करके खिड़की से निकलने वाला बटन होता है उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही दोनों तुम लोग साथ में कर दोगे ना, उसके बाद तुम लोग को कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तुम लोग खिड़की से उतर के ना पूरे मतलब बिना किसी सपोर्ट के आगे आगे खड़े हो जाएगा, वो भी हवा में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और खतरनाक लग रहा है। और यहाँ से तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, यहीं पर अटके रहोगे। और यहाँ पे कोई बंदा तुम लोग को देखेगा तो पूरा पगला ही जाएगा कि कई खतरनाक बग है। और हाँ, यहाँ तक सीमित नहीं है, तुम लोग एक बार अपने गेम को मिनिमाइज करना है, उसके बाद तुम लोग देखो तुम लोग कैसे यहाँ पे झूल रहे हो, मतलब यहाँ पे तुम्हारा लॉन्च पैड कहीं और है, तुम लोग कहीं और है, और क्या ही सीन है यहाँ पे, तुम लोग देख ही सकते हो। ये वाला बग ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो एक बार जरूर ट्राई करना इसको। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को कोई सा भी फीमेल कैरेक्टर ले लेना है। देन तुम लोग को फटाक से अपने ट्रेनिंग ग्राउंड को स्टार्ट कर देना और ट्रेनिंग मोड में आ जाना है। और जैसे तुम लोग ट्रेनिंग मोड में आए तो ना, यहाँ से तुम लोग को फायर फ्लेम वाला जो गन होता है ना जिससे आग निकलती है उसको ले लेना है। अब इस वाली गन को लेने के बाद ना फटाक से तुम लोग यहाँ पे आना है और एक बार तुम लोग जैसे ही इसके अंदर जाने वाले हो गए ना, तुम लोग को फायर बटन पर क्लिक कर देना है कुछ ऐसे और क्लिक करे रहना है यहाँ पे। और जैसे ही तुम लोग गेम में जाओगे तुम लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर क्या ही हवा में, मतलब कि जो अपना फायर फ्लेम गन होता है उसको हवा में चला रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और अमेजिंग लग रहा है, मतलब ये वाला बगना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और हाँ, एक बात और बता दो, अगर तुम लोग हवा में ऐसे किए और कोई भी बंदा सामने आता तो कुछ ऐसे मर जाएगा हो, और शायद तुम लोग ऐसे ग्लोबल भी तोड़ सकते हो, कुछ ऐसे तुम लोग देख ही पा रहे हो यहाँ से ग्लोबल भी टूट रहा है। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को आ जाना है क्लॉक टावर पे। देन तुम्हारे पास एक मिनी लॉन्च पैड भी होना चाहिए। फिर तुम लोग अपने लॉन्च पैड को लेना है, इस वाले बस के पास आना है और तुम लोग को बस के अंदर कुछ ऐसे लॉन्च पैड को करना है और दो तीन बार एक्सचेंज करके लगाना है, मतलब क्लिक करना है, एक्सचेंज करना है, देन लगाना है। और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड कुछ ऐसे लग जाता है, उसके बाद तुम लोग को बहुत ही आराम से इसके पास आना है और खड़े होने के बाद ना तुम लोग को फटाक से लॉन्च पैड वाले बटन पर क्लिक करना है। देन जैसे तुम लॉन्च पैड में चले जाओगे तुम लोग को लीव कर देना, उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा बस के अंदर आ चुके हो। और जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आने पर तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ से गोली लगती है बाहर, तो तुम लोग को चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से गोली लगेगी या नहीं लगेगी, यहाँ से तुम लोग अंदर से भी बैठ के काफी सारे बंदों को मार सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रखना कि बंदों को पता ना चले, वरना बंदे यहाँ पे लेट के मार सकते हैं तुम लोग को बहुत ही आराम से। लेकिन ये वाला ट्रिक काफी ज्यादा अमेजिंग, और इस वाले ट्रिक को जरूर एक बार ट्राई करना तुम लोग। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि ऐसा भी कुछ होता है, तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो अपने अगले वाले बग को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को कोई भी गाड़ी लेनी है। देन तुम लोग को इस वाले लॉन्च पैड के पास अपनी गाड़ी को लगा देना है कुछ ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। और यहाँ गैप होना चाहिए गाड़ियों के बीच में और लॉन्च पैड के बीच में, ऊपर नहीं सटाना है तुम लोग को। और जैसे तुम्हारी गाड़ी लग जाएगी ना, फिर तुम लोग को ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को लॉन्च पैड के ऊपर आना है। देन तुम लोग को लॉन्च पैड के जो यूज का बटन होता है उस पर क्लिक करना है और फटाक से ना तुम लोग को हटते ही यहाँ से ड्राइव के बटन पर भी क्लिक कर देना है। उसके बाद तुम लोग ना मतलब ट्रिक वर्क कर जाएगा, तो तुम लोग यहाँ से लीव नहीं कर पाओगे, सीधे लॉन्च ही हो गए। और जैसे तुम लोग लॉन्च हो गए, यहाँ पे तुम लोग को गाड़ी का साइन बना हुआ आ जाएगा, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो साइड में, मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है फिर भी यहाँ पे ड्राइव का सिग्नल आ रहा है। और जैसे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है, तुम लोग को थोड़ा सा डैमेज करना है अपने मतलब करेक्टर को, देन तुम लोग को मेडकिट करना है। उसके बाद देख ही पा रहे हो तुम्हारा मेडकिट मतलब हाथ नहीं ऐसे वैसे कर रहा है, मेरे पास तो कोई इमोट ही नहीं है, मतलब लगाया ही नहीं मैंने, वरना मैं इमोट करके भी दिखाया था। ऐसे ना तुम लोग मेडकिट करते थे इमोट भी कर सकते हो, मतलब कि लिटरली ये वाला बग ना काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे बिना हाथ हिलाए मेडकिट कर रहा है और ऐसे तुम लोग ना आराम से बहुत ही आराम से इमोट दिखा के भी कर सकते हो। मैं अगले वाले मतलब अगली वाली वीडियो में तुम लोग को दिखा दूंगा कि कैसे मतलब कर सकते हैं इसको इमोट दिखा के मेडकिट।
तो अब जैसे तुम लोग को बताइए कि हम अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जैसे ग्लोबल वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ से हम जैसे ग्लोबल लेते हैं और यहाँ पर मतलब रेड वाले एरिया में जाते हैं, जो भी अपना पुतला उतला होता है हमें मारता है तो हमें डैमेज आता है। तुम लोग देख ही पा रहे हो मेरा कैरेक्टर यहाँ पे डैमेज हो रहा है फुल, और थोड़ी देर में निपट जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन मैं तुम लोग को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके सहायता से तुम लोग ना यहाँ पे इसके अंदर बिना डैमेज हुए मतलब दौड़ सकते हो इधर उधर। सबसे पहले तुम लोग को एंटीनो कैरेक्टर लेना, देन तुम लोग को फटाक से आ जाना अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में, और फिर तुम लोग यहाँ से ग्लोबल लेना। और जैसे तुम लोग ग्लोबल ले लोगे और यहाँ पर रेड वाले एरिया में घूमोगे तो तुम लोग हेल्थ देखो, मेरा हेल्थ कमी नहीं हो रहा है जरा सा भी। और ना हाँ, ऐसे करने के बाद तुम लोग इस वाले गन को भी कुछ ऐसे पकड़ सकते हो, कहाँ भाग के जाएगी, जब तक टाइम है तब तक तुम लोग पकड़ सकते हो। और सेकंड खत्म होगा ना तभी तुम्हारा मतलब करेक्टर डाउन हो गया, मरेगा ऐसे तुम्हारा करेक्टर मर ही नहीं सकता। कम से कम 40-50 सेकंड तक तुम लोग ऐसे ही कर सकते हो, तो ये वाला बग भी काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग है, तो इसे जरूर ट्राई करना एक बार। तो अभी मैं जिस ट्रिक को करने वाला हूँ ना इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसको करने के लिए मेरे पास एक ही मौका था और मैंने कर दिया उस टाइम। तो सबसे पहले तुम लोगों ने कोई भी 3 ग्रेनेड ले लेने हैं, कोई से भी नहीं जो अपना ग्रेनेड होता है, 3 ग्रेनेड तुम लोग को ले लेने सबसे पहले, और कहीं पे भी तुम लोग को आ जाना। देन तुम लोग को सबसे पहले कुक नहीं करना अपने ग्रेनेड को, सबसे पहले एम करना कहीं पे और फटाक से अपने तीनों चारों जितने भी ग्रेनेड है फेंक देना है फटाक से। तुम लोग अपने गेम को मिनिमाइज करना है, उसके बाद थोड़ी देर वेट करना है यहाँ पे मतलब 1-2 सेकंड। जैसे तुम्हारा वेट हो जाता है खत्म, तुम लोग दौड़ के इस ग्रेनेड के पास आ जाना, और जैसे तुम लोग आओगे ग्रेनेड फटेगा लेकिन तुम्हें डैमेज नहीं होगा। मतलब ये वाला बग भी काफी ज्यादा खतरनाक, तो इसे भी तुम लोग ट्राई कर सकते। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, थोड़े से बचे बस 6000 करा दो तुम लोग, मजे आ जाएंगे फिर तो। और हाँ, वॉइस ओवर वाली वीडियो लगातार आएगी, मतलब 1-2 दिन गैप करके आएगी वीडियो, टेंशन ना लो तुम लोग। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भाग यहाँ से।